वेलकम बैक टू माई चैनल रियल रिट्स। मैं हूँ ऋतिका और आज आप मेरे चैनल पे देखने वाले हो बिल्कुल ही अलग वीडियो। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कोई भी फूड चैलेंज। मैं सिर्फ आज खाने वाली हूँ येलो फूड। 24 आवर्स का चैलेंज है ये। यार ये क्यों तो मैं आज खाने वाली हूँ सिर्फ येलो फूड 24 आवर्स के लिए, तो देखते हैं कैसा होता है। वैसे येलो फूड चैलेंज काफ़ी इजी है मुझे लगता है, जैसा किसी भी चीज़ में हल्दी डाल दो वो येलो हो जाएगा। बहुत तेज हो रहा है बहुत। पर देखते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पर देखते हैं हम क्या खा सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 9:38 हो रखे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है पपाया। तो मैं अभी पपीता खाऊंगी और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, सो मेरे स्किन को बहुत अच्छा बना देगा मुझे बहुत। ये सब मैं नाटक नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं पपीता खाने वाली हूँ। मुझे ना ऐसे दिखाकर खाने में बहुत अजीब लगता है, मतलब मैं बहुत ही फूडी हूँ बट उसे कैमरा ऑन करके मैंने कभी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम मेरा। तो आप भी देखो मुझे खाते हुए, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है यार ऐसे कैमरा ऑन करके खाना। फिर भी मैं तो हूँ भुक्कड़, मैं तो खाऊंगी। मेरा पपीता ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस लास्ट के दो। अरे कहना क्या चाहते हो? बस लास्ट के दो बाइट रह चुके हैं, इसे भी खा लूंगा। और मुझे ना ज्यादा पके हुए पपीते पसंद नहीं, बड़ी ठीक था ऐसे कच्चा पक्का टाइप, मैं बोलते ना कचकच टाइप वैसा था। तो मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और मेरा पेट काफ़ी भर चुका है, फिर उसके बाद मुझे भूख लगता तो मैं देखती हूँ मैं और येलो में क्या खा सकती हूँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं बहुत पहले रेडी हो चुकी थी बट मैं उतने टाइम से शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं हर टाइम अपने ब्लॉग में ना ये टट्टी सा कर लेके आ जाती हूँ, बट इसीलिए मैं थोड़ा सा मेकअप कर लिया मैंने। वैसे मैं उसके बाद भी कोई हुड़की पड़ी लग नहीं रही हूँ मुझे पता है, तो प्लीज़ आप बेइज्जती मत करना कमेंट्स में, बट फिर भी थोड़ा सा शक्ल देखने लायक तो हो ही गया है। तो अभी मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैंने अभी बनाया है पोहा, येलो पोहा। और फिर से मुझे कैमरे के सामने खाना पड़ेगा क्योंकि ये चैलेंज वीडियो है। ये मत कहना कि ये भैंस कितना चढ़ती है यार, ठीक है। तो हम फिर से शो ऑफ करेंगे, कैमरे के सामने खाएंगे, ठीक है, और हम स्पून से खाएंगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से खाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, वैसे मॉडर्न में गिरता नहीं है तौड़िया। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं, उतना भी नहीं, अपना अपने हाथ का बनाया हुआ चीज़ हमेशा अच्छा ही लगता है। तो मैं ये बहुत ही प्यार से खा सकती हूँ और वैसे भी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है पपीता के अलावा, तो मुझे भूख लग गई है अब। यार ये फ़ैन ऑफ करके शूट करना पड़ता है ना, इतनी गर्मी पसीने आने लगता है। मैं ऐसे पकड़े तो नहीं खा सकती, मेरा हाथ दुख रहा है, दुख जा नहीं दुख रहा है, तो मैं फोन कुछ ठिकाना लगाती हूँ एक मिनट। सो
सेट हो चुका है अब अपनी जगह पे। अरे मैंने आपको बता रहा था, भूल ही गया, मैंने आज येलो येलो पहना है जो कि आपको दिख गया होगा, क्योंकि ये येलो फूड चैलेंज है तो मैंने येलो पहना है ताकि चैलेंज और भी अच्छा हो जाए। चलो रितिका बहुत शो ऑफ हो गया, खा लो अब। तो फाइनली मेरा पेट अच्छे से भर गया, एकदम फुल हो गया। टुम टुम। अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम से फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना। अब मैं देखती हूँ मैं क्या, मतलब ना ऐसे पेट तो भर गया बट थोड़ी देर बाद कहीं मुझे हल्का फुल्का वो बाहर की जो आदत होती है ना खाने की वो, तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मैं क्या ले सकती हूँ ऐसा येलो कलर का हल्का फुल्का जो खा सके, स्नैक्स टाइप कुछ। सो मैं बाहर से ये सब लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं इसे सैनिटाइज कर दूँगी, सबको अच्छे से सैनिटाइज कर देंगे, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं 5, शाम के 5 बज रहे हैं, और मैंने जो भी हल्का फुल्का मेकअप किया था वो मैंने रिमूव कर लिया है, और अब मैं खाऊंगी मेरा फेवरेट मैंगो। मतलब ना आम खाने का मज़ा ही अलग है, सीरियसली आम, आम के दीवाने। किसको किसको आम बहुत पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चुचुंदर इसे आम नहीं पसंद है। सो गाइज मैंने अपना मैंगो फिनिश कर लिया है, और इसके बाद मेरा मुंह थोड़ा सा मीठा मीठा जैसा हो गया, तो मैं अब खाऊंगी ये कुरकुरे, थोड़ा मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। जो मैं उस वक्त लेके आई थी मार्केट से, बट मैंने उस टाइम कुछ खाया नहीं था, तो ये भी आई थिंक येलो ही है, येलो ही होता है यार, इतना तो नहीं देख सकते ना, इतना भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मैं ये खाते खाते अपना एक अमेज़न का पार्सल भी अनबॉक्स करूँगी, ये इसमें बस एक दो सामान थे इसलिए मैंने इसका अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं इसी में अनबॉक्स कर लूँगी। और एज यूजुअल मेरी बाहुबली वाली कैची, ये है मेरा आई लैसेस ग्लू, ये 5 सेट्स ऑफ आई लैसेस, आईलैश कलर। मैं बहुत ही जल्दी एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ, सो मुझे इसके लिए चाहिए था ये, मेरे पास आईलैशेस था बट मेरे पास ब्लू नहीं था, बट मुझे कॉम्बो में ये अच्छा ऑफर में मिल गया, मतलब अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ये सब ले लिया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो मैं ये अनबॉक्स करने के चक्कर में भूल गई कि मुझे कुरकुरे भी खाना था। आप लोगों को भी मेरी तरह अगर लेट नाइट को कुछ खाने का तो प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना, मुझे ना रात को ज़्यादा भूख लगती है सीरियसली, मुझे दिन में भूख नहीं लगता, मुझे रात को बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और ख़ासकर जब मेरे पास कुछ ना हो खाने के लिए तब तो और ज़्यादा क्रेविंग्स होती है मुझे। इस चैलेंज का ना फूड चैलेंज नहीं होना चाहिए एक्चुअली, इसका होना चाहिए भूखर चैलेंज, मतलब जब कैमरा उठाओ
हाँ चढ़ ही रहे हो बस। चप्पड़ चप्पड़ मुंह चल रहा है बस और कुछ नहीं। मैं तो वैसे थोड़ा गैप गैप में खा रही हूँ, बट आप लोग देखोगे तो एक साथ ही देखोगे तो आप लोग को लगेगा यार कितना मोटी खाती है यार, खा खा बैठ होती जा रही है। अभी ऑलरेडी शाम तो हो चुका है और स्नैक्स मेरा मतलब नाश्ता वास्ता जो है मतलब समझो मेरा फुल है, अभी मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट डिनर करूँगी और देखते हैं डिनर में क्या खा सकते हैं। येलो में ना बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं ये हो रहा ना मुझे लगा था कि मैं बहुत कुछ खा लूँगी बट मुझसे ना वो खाया नहीं जा रहा कुछ भी। वैसे ना एक चीज़ है, मैं इसमें ना खा सीरियसली मैं मतलब नॉर्मल जितना खाती हूँ ना उससे ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल मैं जितना भी खाऊँ एक टाइम खाती हूँ उसके बाद डायरेक्ट रात को खाती हूँ, बट अभी मैं मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ। मुझे ये चैलेंज रोज़ करना चाहिए, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी वरना वो मुझे गालियाँ देती रहती है खाना खाने की। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी अब, तो अब हम मिलते हैं डायरेक्ट डिनर पर। सो अभी रात हो चुकी है और टाइम हो गया डिनर का, बट मैं आपको दिखाती हूँ डिनर में क्या है मेरे लिए आज। यस, नूडल्स, मैगी, तो आज का मेरा डिनर यही होने वाला है। तो अभी ये हम लोग खाएंगे स्पाइसी मैगी। यार मैंने बहुत मिर्ची डाल दी इसमें, मेरे आँख में भी मिर्ची लग गया। कोई बात नहीं, कंट्रोल। Much, much, much later. Guys, sorry, मैं जोर से अभी नहीं बोल सकती क्योंकि एक मिनट मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी ये देखो इस कॉर्नर पे, मैं इस कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा 1:07 हो रहे हैं और रात के। एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था, मैंने उससे पूछा कि ये मेरा येलो फूड चैलेंज है कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या खाऊँ, तो उसने मेरे को एक आइडिया दिया, उसने कहा गू खा ले। तो मुझे याद आया कि मैंने शाम को रबड़ी रखी थी फ्रिज में जो मैंने खाया नहीं था। तो मुझे कुछ खाने का मन हो रहा था, मतलब वो मेरी नाइट वाली क्रेविंग जाग गई थी फिर से। तो मैं भी खाऊंगी रबड़ी, इसे क्या सुरभी भी बोलते हैं, रबड़ी भी बोलते हैं, तो मैं भी ये खाऊंगी। एक्चुअली दिखने में कुछ नहीं यार, मुझे खाना है अभी, प्लीज़ मैं नहीं बोल रही, छोड़ो जी यार, मुझे मैं पागल हूँ, मुझे खुद को खाना है अभी और मैं ये सब बोल रही हूँ। सो अभी हम खाएंगे रबड़ी, ये हमारे डिज़र्ट का भी काम कर गया। एक हाथ से नहीं खुल रहा मेरे से, और मैंने सोचा था कि मैं रात को मतलब जैसे मैंने कुछ खाया नहीं अच्छे से तो एक गिलास दूध पी के सो जाऊंगी हल्दी डाल के, ताकि वो येलो भी हो जाए और मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा पेट भी फुल हो जाए, बट मेरी फूटी किस्मत दूध ही फट गई। यस, दूध फट गई। सो गाइज मैं जा रही हूँ अपनी रबड़ी इंजॉय करने और मैं इस वीडियो को यहीं पेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके बाद सोऊंगी और जब तक सुबह मैं उठूंगी तब तक ऑलरेडी 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तो ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका होगा। सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये चैलेंज करके, आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आगे मैं कौन से चैलेंज वीडियो करूँ प्लीज़ बताना ये भी। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर गाइज़।